भाभी के सामने ओए चंडी भाभी होगी तेरी मेरी नहीं। अबे पुलअप्स तो मैं कर रहा था। ए तो क्या हुआ? ओए तू चुप ही रह, लोग लड़ते रहो। चुप बोला ना, तू चुप रह। असली पटाखा तो अब आई है। अबे जज साहब की सबसे बड़ी लड़की है अंजी, शादीशुदा है। इस पे एक जमाने पे कनॉट प्लेस का हर लड़का फिदा था। मेरे सबसे बड़े वाले भैया और सबसे छोटे चाचा आज तक इसके पीछे बावले है। कहाँ गए सब लोग? लो यहाँ बैठे हो। लो आ गई बिन्नी बहन जी। पता है ऑटो वाला कितनी मुश्किल से लेकर आया, रास्ते में गड्ढे गड्ढे थे और मीटर पता है मीटर इतना तेज। ओए की क्या करे? ओए एक कुड़ी तो बड़ी स्वीट है, एकदम सोनी, एकदम मेरी मम्मी के पसंद आने वाले टाइप वाली। अबे 3 साल पहले ये किसी और की मम्मी को पसंद आ चुकी है, इसके दो दो बच्चे हैं। अरे मीटर का इतना हेयर फेयर था और इतना मुश्किल से आया, बाद में बात करती हूं आपसे। माय गॉड हमेशा ये करती है। ओए मैं तुम्हारी शिकायत कर देनी है बीजी से। जज साहब की लड़कियों को देख रहे हो तुम लोग? अबे हम तो टीटी खेल रहे हैं। टीटी तोते ताड रहे हैं। बच्चा है तू, नहीं समझेगा। बच्चे हो गए आप, वो तो अच्छा हुआ मेरी बारी नहीं आई। ओ कौन वो सबसे छोटी? हाँ हाँ स्वीट 16 इशू। मानना पड़ेगा जज साहब को, एक से बढ़कर एक पटाखा पैदा किया भाई। अबे पर इसके वक्त क्या हो गया था यार जज साहब को? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया होगा। जज साहब का ना सबसे अजीबो गरीब पीस है, कॉलोनी के सारे कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सबका ठेका इसने ही तो उठा रखा है। अरे ये इंसानों के साथ नहीं जानवरों के साथ ज्यादा खुश रहती है। कब तक ऐसे बंदरों की तरह हम आके यहाँ पे ताड़ते रहेंगे छत पे? आज तो इन्हें हमें नोटिस करना ही होगा। जय कन्हैया लाल मटकी फोड़ाल। चोट पर कबूतर को बेड़ा घर को। अबे ये कुत्ते बिल्ली मोर्चे वाली ने अपने बाप को बता के तुझे फांसी लगा देनी है, इसकी मदद करनी होगी। ओ
पत्थर दे। हेलो मैडम, डू यू फ्रेंडशिप मी? हैं? ओह, तो इससे लगी थी उस बेचारे कबूतर को। किसने मारा उसको? मैं जानती हूँ किसने किया। अरे चुप क्यों रहे हो? शर्म नहीं आती पत्थर से एक बेजुबान पक्षी को मारते हुए? और जी वो नोट कबूतर के लिए नहीं था। Let me handle this. Hello boys. Boys. बिन्नी पहचानती है क्या किसी को? छत पे आते हो ना तुम लोग रोज, देखा है मैंने तुम लोगों को। हाँ वो कुत्ता बिल्ली मोर्चा आपको देखने नहीं आते? अबे साले तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे बताती हूँ अभी, रुक। What are you doing? बिन्नी अरे चंदी भी क्या कर, ओए नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी। हाँ वो तो तरस आ गया तुम लोगों पे इस बार, दोबारा अगर ये हरकत की ना तो कब भी बड़ा होगा और निशाना भी ठीक होगा। अच्छा याद आ गया, याद आ गया, तुम लोग भाई गुलाटी साहब के बेटे हो ना? ओ तेरी इसने तो पहचान लिया, भागो भागो भागो। रुक ना, अरे चौधरी से इतना गुस्सा आ गया कि तूने उस पे कॉपी मार दिया। तो उसने तुझसे ऐसे बात क्यों की? हम ठाकुर गर्ल्स हैं, एक दूसरे के लिए सबसे आगे, कोई किसी को कुछ बोल के तो दिखाए। लो कर लो बात। तुम पांचों क्या है, हम मिलन समारोह कर रही हो, किसी ने देखी है घड़ी? अंजी बिन्नी तुम अपने घर से डब्बू को तैयार करने के लिए खास यहाँ आई हो, बिल्कुल वही नहीं कर रही हो? चिल माँ, मैं कोई फ्रीजर हूँ जो चिल करूँ? साढ़े नौ बजने को आए हैं, अभी 10 बजे डब्बू को लेने गाड़ी आ जाएगी। लगता है सारी टेंशन केवल मुझे ही है। तुम्हें तो हर बात की टेंशन होती है ममता जी। एक सिंपल सा जॉब है न्यूज रीडिंग का, बस डब्बू चिल। एलेन चिल विल छोड़िए, टाइम देखिए। अरे तुम लोगों को डब्बू को तैयार नहीं करना है क्या? चलो चलो जल्दी चलो। अरे बस 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 10 मिनट में डब्बू को तैयार कर लो। चलिए ममता जी, मैं तो आपको चाय के लिए बुलाने आया था। ये लो ममता जी। बस रोज तो तुम वाह उस्ताद बोलती हो, लगता है ठीक नहीं बनी है। अच्छी बनी है, पर मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या? एलिन आज वही दिन है जिसका हमें सालों से इंतजार था। ओफो ममता जी, तुम फिर शुरू हो गई। आज मत टोकिएगा मुझे, याद है 13 साल पहले शास्त्री जी ने क्या कहा था? हमारे डब्बू के साथ रोज कुछ न कुछ होता रहता है। पहले मुझे लगा बच्ची है, छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है, पर अब समझ में आ रहा है सारी बुरी बातें मेरे डब्बू के साथ ही होती है। मतलब बगीचे में 40 बच्चे खेल रहे होते हैं, पर मधुमक्खी मेरे डब्बू को ही काटती है। मम्मी! इसी की उंगलियां दरवाजे में आती है, यही सीढ़ी से बार बार फिसलती है। परसों दिवाली के दिन दिवाली के दिए से बैठे बैठे जलने वाली थी। हर रोज डॉक्टर के पास ले जाकर हम थक गए हैं, बस आप ही से उम्मीद है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, जहाँ कोई उपाय नहीं होता वहाँ हम है ना। बोलो हेलो, पत्रिका देना। बेटे तेरा हाथ देना। चंद्र मंगल की युति है, लगन में राहु है और कर्क में शनि है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। वो देखिए,
तारे दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। परंतु आपकी पुत्री की पत्रिका के तारे नहीं है, है? पर सोए हुए हैं, सुप्त अवस्था में हैं। क्या बकवास है? शास्त्री जी आप बताइए क्या होगा मेरी बेटी के भविष्य का, उसकी पढ़ाई लिखाई, मेरी बेटी की शादी? क्या इसके तारे हमेशा सोए रहेंगे, कभी नहीं जागेंगे? जागेंगे जागेंगे, लेकिन 2015 से पहले नहीं जागेंगे। और तब तक ये किसी भी कार्य में इसे सफलता नहीं मिलेगी, दुर्घटनाओं का शिकार होती रहेगी। लेकिन जैसे ही तारे जागेंगे, समृद्धि, ऐश्वर्य, सौभाग्य इसकी झोली में भर भर के बरसेंगे। केवल इतना ही नहीं, महलों का राजकुमार मिलेगा। तेरह सालों में एक दिन भी ये किस्सा भूलने दिया है तुमने हमें? आज का दिन है ही ऐसा, बिल्कुल याद रखने वाला। असली भाग्य तो आज खुलेंगे। अरे दी, क्यों करवा रही है? बस मुझसे नहीं होगा। प्लीज लुक, लिसन डब्बू, एक बार प्लीज मेरे लिए ट्राई कर, कॉन्फिडेंटली आगे चल। और तू नीचे क्यों देख रही, ऊपर देख के चलना। और प्लीज मेरी साड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। ऑफ गॉड सेक, क्यों करवा रही अंजी ये सब? नहीं प्लीज, यू डोंट कम इन बिटवीन, प्लीज जस्ट एक बार कोशिश कर। आराम से, मैं ट्राई करती हूं। बी आराम से बेटा, टेक केयर। इसके सितारे तो आज जाग रहे हैं, फिर ये गिरी कैसे? अरे ये इन हील्स की वजह से। ओहो आंटी दी, अपने आईफिल टावर अपने पास ही रखो, मैं अपने फ्लैट सैंडल्स में ही ठीक हूँ, इशू लेके आना। हाँ दी, और वैसे भी आपकी दी हुई हील मेरे सर की डिजाइन की हुई साड़ी के साथ मैच नहीं कर रही है। क्यों माँ, ठीक कहा ना? ओ प्लीज, इस साड़ी के साथ कुछ भी मैच करना बहुत मुश्किल है। ओ हेलो, तू तो बोली मत कुछ, लड़की की बॉडी में लड़का। ओ माँ देखो ना, ठंडी। और वैसे भी ये तो कलर ऑफ द सीजन है, पप्पी लीज डिजाइनर साड़ी। चंदी बाय गॉड, तूने डब्बू के लिए इतनी अच्छी साड़ी लेकर आई, मेरे लिए कुछ नहीं लाई। ऐसे कहने को तो इतने बड़े डिजाइनर की असिस्टेंट है। बिन्नी दी, आज डब्बू का स्पेशल डे है। अच्छा सुनो, काला टीका लगाना भूलना नहीं। अरे माँ आईलाइनर लगा है ना? हाँ ऑल सेट ना? नहीं ऑल सेट नहीं है। डब्बू बाल खोल लेती तो बहुत अच्छी लगती, लुक प्रिटी, ट्रस्ट मी। अरे दीप, पर बाल बंधे ना हो ना तो चेहरे पे आते। चपटू बाल से तो बहन जी लगती है डब्बू। अरे पर सब लोग न्यूज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मेरी सूरत पे नहीं। स्वीट हार्ट, टीवी है ये, रेडियो नहीं। मुझे भी मालूम है, पर टीवी पे भी फैशन शो नहीं है, न्यूज है। मैं भले ही रॉन्ग लगूं, पर न्यूज बिल्कुल राइट लगनी चाहिए। सही है, यू गाइस आर इम्पॉसिबल। अरे सही तो कहा डब्बू ने। अरे अंजी क्या हुआ तुझे? ऐसे कंफर्टेबल हूँ ना, बोल ही नहीं पाऊंगी। पांचों एक दूसरे से एकदम अलग है, फिर भी एक साथ कितनी खुश रहती हैं। पंकज जी, हम दोनों को इन्हें पैदा करने के लिए कुछ ट्रॉफी शॉफी मिलनी चाहिए। लो कर लो बा, जज साहब पूरे 9 महीनों की कड़ी मेहनत को मद्देनजर रखते हुए इस बात का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। ओवररूल्ड। लो कर लो बा, 10 बज गए और डब्बू के लिए गाड़ी आ भी गई। लगता है लफंगे लड़के थे, बैल बजा कर भाग गए। रडी रास्कल्स।
नमस्ते। वालो हेलो। नमस्ते। कार आ गई क्या? कार नहीं है। तो? बेकार है। वालो हेलो। अरे शास्त्री जी आप, नमस्ते। आइए आइए, मैं सुबह से आपको याद कर रही थी। आपको याद है आज वही दिन है जिसके बारे में आपने मुझे 13 साल पहले बताया था? उसी के बारे में बात करने आया हूँ। आप ये क्या देख रहे हैं शास्त्री जी? वही हुआ जिसका डर था। हेली ने सब सर्वनाश कर दिया। हेली? कौन हेली? हेली यानी धूमकेतु। धूमकेतु कोई अनरिलीज फिल्म है क्या? ओफो दीदी, धूमकेतु मतलब कॉमेट। कई सालों में एक बार आता है अर्थ के करीब, इतना भी नहीं पता। आज तुम्हारे तारों की सुप्त अवस्था खत्म होने ही वाली थी। थी? हो गई है ना? हाँ। इतने दिनों के बाद उसे चांस मिला है, सीधे चैनल जाकर न्यूज़ पढ़नी है, उससे डिसाइड होगा कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। भौजी, पायलागो भौजी, पायलागो भाई साहब, पायलागो। नमस्ते चाची। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इले इले सीधे मंदिर से हमारे। आप भी ले लो, तुम भी ले लो। अच्छा, अरे अरे मेरी पिटिया, लो 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 लो। हाय, आज तो हमारी डब्बू का सबसे बड़ा दिन है ना बेटा? हाँ, इसलिए पता है हमने है ना भगवान जी को अर्जी लगा दी। आज तो हमारी बिटिया के सितारे भी जाग रहे हैं। क्या बात है? हाय शास्त्री जी, प्रणाम, पायलागो। सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। हाँ तो पंडित जी बताइए, कैसे बदलने वाली है हमारी बिटिया की जिंदगी? वही बताने जा रहा था मैं। हाँ बताइए ना। पहली जो धूमकेतु आया था ना, उसने तारों में उथल पुथल मचाती थी। डब्बू बिटिया की तारों की सुप्त अवस्था जागृत होने ही वाली थी। एक साल और बढ़ गया। परेशानियां है और ऊपर से ये मेरी प्यारी प्यारी पांच पांच बेटियों का बोझ। और ये मेरी इस बेटी के तारों में क्या वो लंबी सी कौन सी सू 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 नहीं सुप अवस्था। हमें तो भगवान ने सेव कर लिया एक बेटा देकर। आए हमारा गुलाब। लेकिन शास्त्री जी यहाँ तो देखिए, यहाँ तो एक के बाद एक लड़कियां ही बरसती रही। तुम क्या बोल रही हो भूदेवी? अब क्या करें भाई साहब, हमसे है ना भौजी का दुख देखा नहीं जाता। हम जानते हैं एक माँ को कैसा लगता है जब एक बेटी का रिश्ता देखने निकले तो एक ना मिले और उसकी छोटी बहन के लिए रिश्ते की लाइन लग जाए। भूदेवी, चाची ये क्या बोल रहे हो? मामा सॉरी बाबूजी, सारे वो मुझे मालूम नहीं था कि
बेटियों को इस बारे में कुछ पता नहीं है। वो तो क्या है ना कि माता की चौकी के वक्त ये सारी बातें निकली थी, तो हमें लगा कि ये सब जान ही गए होंगे। बस बहुत हो गया भूदेवी, हम तो बस कर जाएंगे भाई साहब, लेकिन आप दोनों के सर के ये बोझ कैसे कम होंगे? मेरी बेटियां बोझ नहीं है, सहारा है मेरा। 5-5 सहारे हैं, जिसमें से एक के तारे तो सो रहे। और अभी 1 साल तक जागेंगे नहीं, ना नौकरी लगेगी ना शादी होगी। आपका काम हो गया हो तो दरवाजा उधर है, जाइए सरोजनी नगर में अपनी मिक्सर ग्राइंडर की दुकान संभालिए, जाइए। मेरी दक्षिणा? नहीं, मैं बिल भेज दूंगा। शास्त्री जी, शास्त्री जी, रुकिए रुकिए रुकिए, तनिक रुकिए। वो क्या है ना, हमारा बेटा है ना गुलाब, उसके बारे में भी कुछ बातें पूछनी है। घर चली, बगल में तो रहते हम। अवश्य अवश्य, क्यों नहीं। आरती की थाली लेकर। शुक्र है भला टली। और 1 साल, अब डब्बू को इंस्टीट्यूट से निकले हुए 1 साल हो गया, उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली। मुझे तो लगा था कि अब अच्छे दिन आएंगे, डब्बू को नौकरी मिलेगी, उसके बाद डब्बू के लिए एक से एक रिश्ते आएंगे। डर लग रहा है, कहीं ये न्यूज रीडिंग की टेस्ट में तो। अब बस करो ममता जी, तुम तो बिना बात बच्ची को नर्वस कर रही हो। अगर बच्चे के दिमाग में रेस में दौड़ने से पहले ही ये डाल दिया जाए कि वो दौड़ ही नहीं सकता, तो क्या खाक दौड़ेगा? वो कोशिश ही नहीं करेगा। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से आज तक डब्बू हर चीज में सेकंड आई है, क्योंकि तुमने उसके दिमाग में ये डर डाल दिया है कि वो कभी फर्स्ट आ ही नहीं सकती है। एग्जैक्टली। माफ करना ममता जी, तुम्हारे ज्योतिष व्योतिष तुम्हें खुशी देते हैं ना, इसलिए मैं चुप रहा हूँ आज तक। पर इसकी वजह से मेरी बेटी दुखी हो जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। तुम्हारी फिक्र मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी की किस्मत का फैसला ना तो ये तारे करेंगे और ना ही वो मिक्सर ग्राइंडर बेचने वाला शास्त्री। जी जरा आप ही सोचो, कितनी लड़कियां मांगलिक होती क्या उनकी शादी नहीं होती? कितने लड़कों की पत्नी में ग्रह दोष होते हैं तो क्या उनकी नौकरी नहीं लगती? लगती है, क्योंकि अंत में इंसान के कर्म ही उसकी किस्मत बनाते। बेटा, इंसान का वजूद तारों और ग्रहों के बस में नहीं होता है, उसकी अपनी मेहनत और लगन के बस में होता है। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है बेटा, तू मन लगा कर मेहनत करेगी ना तो जरूर कामयाब होगी। अरे आज मेरी बेटी का बहुत बड़ा दिन है, हम सबको तो उसे हंसते हुए ऑल द बेस्ट कहकर विदाई करनी चाहिए, ताकि वो अपनी काबिलियत साबित कर सके, ये नौकरी हासिल कर सके। पर वो तो तब मिलेगी जब मैं वहां जाके न्यूज पढ़ूंगी। ये तो 10:15 बज गए और गाड़ी अभी तक नहीं आई है, कहीं शास्त्री जी की बात सच होती तो नजर। नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो बेटा, दीदी कार आ गई, जल्दी चलो। कम ऑन डब्बू, अपने पापा की बातें सुनी ना ठीक से, तो जाओ अच्छे से न्यूज पढ़ना और सिलेक्ट होके आना। ओहो मम्मा, मेलो ड्रामा बंद कर दो, बिकॉज़ जाना है सिलेक्ट करना। कम ऑन डब्बू, चलो भाई जल्दी चलो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बिल्कुल नर्वस मत होना।
इतनी अच्छी विदाई तो मुझे मेरी शादी में भी नहीं दी थी आप लोगों ने। क्या दी? अरे एलिन, घबराइए मत ममता जी और भरोसा रखिए, डब्बू को अच्छी नौकरी भी मिलेगी और अच्छा लड़का भी। देवजानी ठाकुर जी, ये लीजिए स्क्रिप्ट, 5 मिनट में आपका न्यूज रीडिंग ट्रायल स्टार्ट होगा, ठीक है? जी। कोई शांत जगह ढूंढनी होगी रिहर्सल करने के लिए। पर्दाफाश किया था, सरकार गिर गई थी। आज की ताजा खबर,